अंजाम अजय की विनती है, गंगा मैया की सौगंध है, अगर देशभक्ति मन में हो तो आखिरी बार हाथ ऊपर कर लेना। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। बनारस आपके चरणों में अपना माथा टेका करना मन करता हूं। शुरू करना चाहता हूं, थोड़ा सा मन दे दीजिएगा। हिंदुस्तान में जिस तरह से पढ़ने की आदत पड़ गई है, मुझे लगता है कि अगर बनारस ने उस तरह से नहीं सुना तो मेरी सारी उपलब्धियां फीकी पड़ जाएंगी। चार पंक्तियों से शुरू करता हूं, दोस्त सुनना। सर पढ़ता हूं। बहुत अच्छा है मीठे बोल बोलो, सुनना साहिबो, बहुत अच्छा है मीठे बोल बोलो, प्यार से बोलो, अदू से यार से, अदू माने दुश्मन, अदू से यार से, बंदे से या सरकार से बोलो, शहर बोलो, शकर बोलो, मगर ये हौसला भी हो, जहां तलवार लाजिम है वहां तलवार से बोलो। बहुत अच्छे अजय भाई, क्या बात है, शानदार, बहुत ही अच्छा। जहां तलवार लाजिम है वहां तलवार से बोलो। कुछ माताएं अभी थी यहां शायद चली गई, जिन्होंने अपने बेटे खोए थे। हिंदुस्तान की सियासत के लोग कह देते हैं कि सेना में जाने वालों का सम्मान करने की जरूरत क्या है, वो तो वेतन के लिए जाते हैं। हमारे मंच के किसी बड़े व्यक्ति ने कहा कि नेताजी आपकी वर्तनी ठीक नहीं है, आपका व्याकरण ठीक नहीं है, अगर मेरे मंच के बड़े कवि की वो टिप्पणी आपको सटीक लगे दोनों हाथ उठा करके तालियां देना। किसी ने कहा सेना के जवान को सलाम क्यों करें, किसी शहीद को नमन क्यों करें, ये तो वेतन के लिए काम करते हैं। जवाब दिया गया, नेताजी आपकी वर्तनी गलत है, व्याकरण गलत है, एक मात्रा कम कर लो, सेना में जाने वाले लोग वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करने जाते हैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। क्या सोच कर जाते हैं सेना में लोग, ये जो सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ते हैं बनारस की सड़कों पर, देहात के गांव की पगडंडियों पर, माथे का पसीना एड़ी से निकलता है तब जाकर सेना में जगह मिलती है। चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, क्या सोच कर जाते हैं। और अगर आपको लगे, बनारस को लगे कि हाँ सैनिक बेटों के मन की यही भावना है, तो एक बार भारत माता की जय मैं वहां तक से सुनना चाहता हूं, मुझे खोल दीजिएगा, एक बार अच्छी कविताएं सुना करके जाऊंगा, सुनिएगा। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, ये भावना लेकर के निकलते हैं बेटे। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए, सिर्फ इतना सा मेरा ख्वाब है मेरे मौला, मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला, क्या है सैनिक का जीवन, जीवन पोथी के हर पन्ने पर अभिमान लिखा निकला, और रक्त की बूंद बूंद पर बस बलिदान लिखा निकला, जिस्म हटाकर जब शहीद का देखा हमने पर्वत की श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला, श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला। क्या है कविता, क्या पढ़ने की जरूरत है इन मंचों पर जब शहीदों के सम्मान करने चलते हैं, कि भारत की आरती में, भारती की आरती में दीपक से दमक उठे शब्दों के प्रसून, देश माता पर चढ़ाओ तो, भारती की आरती में दीपक से दमक उठे शब्दों के प्रसून, देश माता पर चढ़ाओ तो। इसको छोड़ता हूं यहीं पर, कविता शुरू करता हूं, सुनिएगा। आज जयचंद नहीं कोई फेर फंद नहीं, हिंदुओं से कृष्ण और राम मांगता है देश, शेर सरदारों के घरों से भी सुनो जी आज, बेटा भगत सिंह सा ललाम मांगता है देश, जात के लिए भी नहीं पात के लिए भी नहीं, देश के लिए ही बस काम मांगता है देश, अरे एक नाम बोलता हूं और सलाम चाहता हूं, मोमिनों से अब्दुल कलाम मांगता है देश। बहुत बहुत अभिनंदन मेरे भाई, सुनिएगा, मैं आ रहा हूं धीरे धीरे अपने ट्रैक पर।
एक चार पंक्तियां और सुनिएगा। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां, मुझसे किसी ने कहा यहां मंच पर, अजय भाई ये सिर्फ कवि सम्मेलन नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक मन है जिससे हमारे युवाओं के अंदर वो भावना पैदा हो सके कि वो देश पर न्यौछावर हो सके, तब पढ़ता हूं। आज जयचंद नहीं, नेताजी आपको मैं बारंबार नमन करता हूं, जिस वेश में आप बैठे हैं मुझे लगता है कि इस कविता को सुनाने के लिए आपसे बढ़िया श्रोता नहीं होगा, नमन करता हूं, सुनिएगा। देश में वो देशभक्ति का उबाल दीजिए मां, देश प्रेम की दिलों में ज्वाल लगने लगे, कर्म से प्रचंड और धर्म से अखंड आज हर युवा ही लाल बाल पाल लगने लगे, बेटियों को शक्ति का वो बीज मंत्र दीजिए कि वहशियों को काली का कराल लगने लगे, और ऐसी वीरता प्रदान कीजिए सुतों को मात, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बच्चा बच्चा अंजनी का लाल लगने लगे। आज सिंघनी माताओं से ये आशीष मांगता हूं, आज सिंघनी माताओं से ये आशीष मांगता हूं, हर कविता के बदले केवल ये बख्शीश मांगता हूं, वीर सिपाही जैसा जीवन सच्चा नेक मांगता हूं, हर मां से भारत की खातिर बेटा एक मांगता हूं। दो में से तुम एक को एसपी या डीएम बना देना, और अगर वो बनना चाहे तो सीएम बना देना, लेकिन दूजा पुत भारती की प्रतिमा का जेवर हो, चिंतन से वो भगत सिंह हो और करनी से शेखर हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। शैशव से ही देशभक्ति देना तुम उसको घुट्टी में, शैशव से ही देशभक्ति देना तुम उसको घुट्टी में, अमर शहीदों के स्मारक पर ले जाना छुट्टी में, उस मजार से मिट्टी लेकर उसको तिलक लगा देना, पार्टी पूजन वाले दिन वंदे मातरम लिखा देना, पार्टी पूजन वाले दिन वंदे मातरम लिखा देना। अरे जिसे प्यार हो इस मिट्टी से, एक बार निवेदन करता हूं जितने लोग बैठे हुए हैं, जिसे प्यार हो इस मिट्टी से बस वो ही बाजू खोले, एक बार हाथ गगन की ओर उठा लीजिए, निवेदन करता हूं, मन बना दीजिए, जिसे प्यार हो इस मिट्टी से बस वो ही बाजू खोले और गगन की ओर उठाकर भारत मां के। बहुत बहुत अभिनंदन। एक छोटी सी कविता दादा आदेश हो तो, हमारे समाज का सनातन धर्म का वो गौरव, वो हिंदुआ सूरज जिसने मुगल सत्ता के खिलाफ अकेले खड़े होकर उसको चुनौती दी, भारत के स्वाभिमान का वो अदम्य प्रतीक महाराणा प्रताप और उसका वो अश्व चेतक, दोनों को नमन करने की एक कविता पढ़ना चाहता हूं, अगर आपके आदेश मिले तालियों के रूप में तो मैं जरा मन से पढ़ पाऊंगा। इतिहासकारों ने लिखा कि भारत के बहुत से युद्ध ऐसे थे जिसमें घोड़े पर बैठकर शेरों ने युद्ध लड़े, शेर ने युद्ध लड़े, बहुत से युद्ध ऐसे हुए जिसमें घोड़े पर बैठ करके शेर लड़े, हल्दी घाटी का युद्ध अकेला ऐसा युद्ध था जिसमें शेर पर बैठ करके शेर ने युद्ध लड़ा, तब उस चेतक को प्रणाम करता हूं। वाह 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 वाह, शुरू होता हूं, सुनिएगा। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो, थोड़ी आवाज बढ़ा दे भाई, थोड़ा इको भी दे दे इसमें। पानी है बनास का, इस पानी, बनास एक नदी है जो मेवाड़ के राज्य के बीच से होकर के बहती है, उसी पानी से बना हुआ पिंड महाराणा प्रताप, अगर आप उस भावना से जुड़ सके, आपके अंदर कहीं महाराणा प्रताप और चेतक का शौर्य खौल उठा, तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कविता आपको पसंद आएगी, निवेदित करता हूं, बहुत विनम्रता के साथ सुनिएगा। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो, इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो, तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो, बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो, है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। पहला बंद निवेदित करता हूं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था, उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था, राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था,
यह उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था, आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था, जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था, जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ भूमि का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष्ट होते थे, ये एक समय की साजिश थी, इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। वो दृश्य देखिएगा हल्दी घाटी का, मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था, रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनियड़ी हुई, उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध का शंख बजा, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन जुझारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खंड खंड छुरियां छम 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 छाप बजी, झनझन झना झन चंदहास दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन्न सन्न, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। अभी आप उसमें अधिकता में नहीं आए हैं, मुझे लग रहा है अभी आप कविता से जुड़े नहीं है। एक पंक्ति पढ़ता हूँ, फिर से परीक्षा लेता हूँ। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, जिसको भगोड़ देता चेतक उसका बख्ता कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार, पंक्ति संभाल लेना, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था, टप टप टपाक 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 टप टप टपाक, पंचाप सुनाई देती थी, चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस पताप सुनाई देती थी। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या चित्रण किया है, वाह 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 वाह, ताप सुनाई देती थी। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। लोथे ही अड़ती रहती थी, क्या बात है, कहीं बिलक धड़से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, जिसको भगोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सब फट जाता था, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 टप टप टपाक, पदचाप सुनाई देती थी, चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस पताप सुनाई देती थी। भाई बहुत अच्छे अन्याम भाई, क्या बात है। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गए मुख।
दोधारी चंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक से प्रताप फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक। पंक्ति संभाल लेना फिर हिम्मत करता हूँ। थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक, मुगलों की अभिमानी घुड़की। सुनना मेरे भाई मिश्र, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये तो राणा प्रताप का वंशज खुद ही लग रहा है भाई। जय बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक, मुगलों की अभिमानी खुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। क्या बात है, वाह 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 वाह। चेतक घुस गया विचारों में, अरे राणा पर होता वार अगर। दादा कविता के पारखी बैठे हैं यहाँ तक चल करके आए 70 वर्ष की अवस्था में, प्रणाम करता हूँ बनारस को जो कविता सुनना जानता है। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहाँ डूब जाता चेतक। क्या बात है, वाह 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 वाह। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था मेवाड़ विजय के रस्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। पंक्ति फिर संभालना, मेवाड़ विजय के रस्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। साथ नहीं दे रहा आप लोग, साथ नहीं दे रहा बनारस, दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, नमः पार्वती पते। गंगा मैया की। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। हाथी के सिर पर था चेतक, बैरी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था मेवाड़ विजय के रस्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। चेतक कहता रणचंडी से वीर रस की जो भाषा होनी चाहिए, ओज की जो भाषा होनी चाहिए, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। बाघ मुक्त नीली आंधी, नीले रंग का था चेतक। जो नौजवान दोस्तों ने उसका चित्र ना देखा हो, इतिहास ना पढ़ा हो, बताने की कोशिश करता हूं। थी बाघ मुक्त नीली आंधी, मर्जी से पांव उठाता था, राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था, बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था, अरे जिसकी छाती पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसके सीने में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। था तभी अचानक, पंक्ति फिर संभालना, था तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया, राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया
रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बहुत आभार, मन जीत लिया आप लोग तो बहुत जरूरत भी थी पसीने। मैं पूरा सदन हाथ उठा के एक बार तालियां बजा के अभिनंदन करे भाई अजय अंजाम जी का, बहुत शानदार काव्य पाठ। चक्कर में मैं भूल जाता हूँ। थी बाघ मुक्त नीली आंधी, मर्जी से पांव उठाता था राणा के, एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। तभी अचानक मानसिंह हाथी असवार नजर आया, राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया, अगली टांगों का प्रबल भार हाथी का मस्तक चूम गया, आघात अश्रु का भारी था। सहकर हाथी लड़खड़ा उठा, इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा, गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रणकौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा, आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोले। राणा चेतक के साथ बहुत बहुत शानदार कविता, वाह 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 वाह। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, विदा लूंगा, मन के साथ विदा कर देना। बनारस ने जो स्नेह दिया जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। सुखदेव भाई सुनिएगा, अंतिम बंद सुनिएगा, साथ दीजिएगा। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था, हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हतिभूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला और राणा का विग्रह एक जैसा था, जब एक जैसे वर्दी पहन लेते थे सैनिक वर्दी तो कोई अंतर नहीं कर पाता था। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, देखो शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छल्लांग, उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया, चेतक मेरे बेटे भैया। हाँ लाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा, चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अंजाम अजय की विनती है, गंगा मैया की सौगंध है, अगर देशभक्ति मन में हो तो आखिरी बार हाथ ऊपर कर लेना। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे
बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। बनारस आपके चरणों में अपना माथा टेका कर नमन करता हूँ।